हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा, नए लेक्चर में आखिरी के थ्योरी के दो टॉपिक बचते हैं मेरे पास, ठीक है ना। मैं बेटा आपको चैप्टर शुरू करते टाइम ही बता चुका हूँ, 17 सोर्स ऑफ फाइनेंस है, 16 मैंने करा दिया, एक अभी छोड़ा हुआ है। अभी मेरा मूड कर रहा है छोड़ ही दो उसको, कराएगा तो कोई नहीं है, तो मेरे को 1001% पता है। सब स्कूल ने कहना कट जाए कट जाए कट जाए, पर मेरा मूड था चलो बता दो 17 के, 17 के बारे में मैंने 16 के बारे में बता दिया, ठीक है ना। एक अभी पेंडिंग है, देखते हैं केस स्टडी के बाद बता दूंगा एक के बारे में। आज कुछ दो टॉपिक है, दोनों खत्म करने का विचार है। आज माइंड अप कर लो, कल से केस स्टडी शुरू करते हैं बेटा इस चैप्टर। बाबू अभी ना एक टॉपिक है बिल्कुल शुरू में, जहां चैप्टर की शुरुआत हो रही है, थोड़ी सी ना उसकी इमेज बेटा वर्टिकल थी, ठीक है। वर्टिकल थी तो दिखता कुछ ना आपको, मैंने स्क्रीनशॉट खींच के इसकी इमेज को ना बेटा हॉरिजॉन्टली प्लेस कर दिया, वरना देखने में दिक्कत आती है आपको बोर्ड पे। अब बेटा चैप्टर जब शुरू होता है, मैं कभी सीक्वेंस से नहीं कराया था चैप्टर, आपको याद होगा पहला टॉपिक डिबेंचर कराया, सिक्स टॉपिक था, तो सिक्स पता नहीं शायद एट, फिर मैंने इशू ऑफ शेयर कराया, सेवन टॉपिक था, मैं तो गया भी नहीं बेटा। पहला टॉपिक रिटेन अर्निंग था, रिटेन अर्निंग उसके बाद कराया मैंने। तो अगर इससे भी पहले चैप्टर में जाओ तो दो तीन टॉपिक हैं, वो रहते हैं वही कराने आज। अब बेटा कभी समझना, आपको भी फील होगा कि जो मैं सीक्वेंस करा रहा हूँ वो अच्छे ज्यादा बेटर है। अब आज देखो, आज एक टॉपिक है सोर्स ऑफ फंड क्लासिफिकेशन। जितने भी सोर्स ऑफ फाइनेंस हमने 16 पढ़ लिए, मैं उनका क्लासिफिकेशन करने जा रहा हूँ। तीन अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई किया जा सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन। बेटा अगर मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, तीन तरीके के सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म। शॉर्ट टर्म क्या होता है, जिसके वैसे एक साल में वापस करने होंगे, शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस शुरू से चल रही है चर्चा, 1 से 5 साल में करने हो मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, और 5 साल के बाद करने हो लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। अब बेटा कोई मुझसे पूछे लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है, मैंने चार टेबल में लिखे थे, चारों लॉन्ग टर्म है, चारों लॉन्ग टर्म है। प्लीज मेरी तरफ देखो, कौन कौन से टेबल में लिखता हूँ, डिबेंचर, इक्विटी, प्रेफरेंस और रिटेंड अर्निंग। टेबल बनाता हूँ, चारों लिखता हूँ, चारों छक्का देना, चारों लॉन्ग टर्म है, ठीक है। इसके अलावा कभी किसी का एग्जाम्पल याद ना आए, जब लोन कराया था आपको, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक और लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, शुरू करते ही बोला था बैंक हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हर टाइम के लिए लोन देता है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, सबके लिए लोन देता है। बाबू वहां पे भी चिपका सकते हो, चार तो लॉन्ग टर्म क्लियर है ही है, ठीक है। कोई मुझसे पूछे मीडियम टर्म, लोन फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कोई पूछे शॉर्ट टर्म, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर, पब्लिक डिपॉजिट और सीपी हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए इशू होते हैं, ट्रेड क्रेडिट ये भी शॉर्ट टर्म है, होते तो बहुत सारे हैं, मेनली जिस पे फोकस है वो देखो, ठीक है ना। अब अब इनका तो बिल्कुल भी मत देखना, ना ही इनका क्लासिफिकेशन देखना, मीडियम टर्म में पब्लिक डिपॉजिट का नाम लिख देते हैं, कोई ऐसी बात होती नहीं भाई, पब्लिक डिपॉजिट हो या कमर्शियल पेपर दोनों में कोई अंतर ही नहीं होता। अंतर सिर्फ इस बात का कि एक कॉर्पोरेट को इशू होते और एक पब्लिक को, ठीक है जी। कब ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, अब ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, दो तरीके के फाइनेंस होते हैं बेटा, ऑनर्स फंड और बोरोड फंड, मालिकों का पैसा और कर्जे का पैसा। बेटा मालिकों का पैसा सिर्फ दो ही है, जिसके पैसे कभी वापस नहीं करने, जिसके पैसे आज नहीं तो कल वापस करने हैं, मैं क्या बोलता हूँ अपनी भाषा में उसको, बोरोड फंड, जिसके पैसे आज नहीं तो कल वापस करने हैं। सिर्फ इक्विटी शेयर जिंदगी भर पैसे वापस नहीं होते, सिर्फ रिटेन अर्निंग जिंदगी भर पैसे वापस नहीं होते, जो कंपनी ने खुद कमाए, बाकी सबके पैसे आज नहीं तो कल वापस होंगे, सब के सब बोरोड फंड है, दो को छोड़ दे, जितने मर्जी एग्जाम्पल लिखो, प्रेफरेंस शेयर लिखो, डिबेंचर लिखो, ट्रेड क्रेडिट लिखो, कमर्शियल पेपर, पब्लिक डिपॉजिट, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सब चिपका यहाँ, ठीक है जी। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन, बेटा दो तरीके से जनरेट होते हैं, इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्स मतलब जो बिजनेस के अंदर से पैसा आया, अगेन वही पैसा जो मालिकों ने डाला वही तो अंदर से आया, तो सब बाहर से, मालिक कौन होता है कंपनी में, इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर क्या बेटा, रिटेन अर्निंग, कंपनी ने खुद कमा के अपना ही पैसा डाला, यही दो पैसे हैं जो ऑनर फंड भी है और इंटरनल सोर्स ऑफ जनरेशन भी है, बाकी सब एक्सटर्नल। जो मैंने 7 बातें यहाँ बोली बोरोड फंड में, वही 7 चिपका देना यहाँ पर एक्सटर्नल में, खत्म।
कोई दिक्कत, कोई परेशानी? समझ में आया क्लासिफिकेशन? यार थोड़ा सा ना मेरे को ना बस ये बता दो कि जब पहले दिन तुम्हें टीचर पढ़ाता है, ये कैसे पढ़ाता है? मैं सीखना चाहता हूँ टीचिंग। क्लास में पहले दिन वो यही कराएगा, यही है टेबल। टॉपिक का नाम है 8.1, एक चैप्टर का नाम है, पहली टेबल यही है। कराएगा कैसे? मैं तो ये जानना चाहता हूँ आपको कैसे समझ में आ जाता है। तो वो बताता है कि तीन तरीके का होता है बेटा, टाइम पीरियड ये है। उसने कह दिया पब्लिक डिपोजिट मीडियम, तमाम ने कह दिया हाँ। ये मतलब ऐसा जादू टैलेंट ये कैसे है कुछ लोगों के पास, मेरे पास कमी है इसकी। तो नहीं, तुम ही हो लोगों को सिरे ला के आ जाते हो भाई। मतलब तुम्हें कभी हैरानी नहीं होती कि वो पढ़ाते नहीं है और तुम हाँ करते रहते हो? यार मुझे कभी समझ नहीं आता कि कोई कैसे कराता होगा इसको पहले दिन। मैंने तो इतना पता नहीं कहाँ कहाँ से सोच समझ के बेटा, कितनी रिसर्चों के बाद मैं यहाँ पहुंचा हूँ। आपको क्या लगता है पहले दिन मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा? पहले दिन ही पहुंचाऊंगा। पहले दिन पता नहीं मैंने किस सीक्वेंस से शुरू किया होगा। अभी 13 साल हो गए कराते कराते, अब पिछले 6-7 साल में सेटल हो गया हूँ। पता है कि यही सीक्वेंस बेस्ट रहता है, सबसे ज्यादा आसान पड़ता है, बच्चे को सबसे जल्दी याद होता है। तो बहुत हिट एंड ट्रायल के बाद यहाँ पहुंच रहा हूँ मैं भी। अब पता नहीं भैया कैसे करा देते हैं स्कूल वाले। चलो क्या अलग ही टैलेंट है उसके पास। प्रभु अब 1 मिनट के लिए सामने देखना, रेनबो वाले तैयार रहे। मैंने बीच में भी एक दिन बोला था तैयार रहना एक क्वेश्चन के लिए, आज आपको फिर बोल रहा हूँ तैयार रहो, बिल्कुल रेडी। ठीक है जी, जिस दिन पेपर हो जाएगा ना, मैं मार्क करके फोटो खींच के इस वीडियो का लिंक लगा के भेजूंगा कि मैंने कहा। इस वीडियो का लिंक लगाकर भेजूंगा, मैं पहले बता रहा हूँ। ये पेपर होने दो, फाइनल एग्जाम ये जब फाइनल में आएगा, साथ में इस वीडियो का लिंक जरूर आएगा आपके ग्रुप में, देख लेना कि मैंने कहा था कि नहीं कहा था। बाबू टॉपिक दिया गया है फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, टॉपिक दिया गया वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ऑल्दो बेटा इनके ऊपर एक एक पैराग्राफ है, मैं ये तो पैराग्राफ पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। बाबू इसके अलावा देखो, ये नाम दे दिया ना, बस टीचर को मिल गया हथियार कि मैं यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछू इनडायरेक्ट घुमा के। तो वो जो क्वेश्चन पूछते हैं मैं आज ही करा रहा। और बता देता हूँ, सिर्फ रेनबो में नहीं, यहाँ बैठे हुए 2-3 स्कूल में और आएगा टॉपिक, 2-3 स्कूल में और आएगा, यहीं से आएगा टॉपिक, मैं एडवांस बता रहा हूँ बेटा। ठीक है, बी वेरी केयरफुल, आज का टारगेट सिर्फ यही है, ये पूरा करना है और पैकअप करना है। बाबू किसी भी बिजनेस की बात कर लो आप, किसी भी बिजनेस में बेटा जो कंपनी की या बिजनेस की फाइनेंशियल नीड होती है, वो दो तरीके से क्लासिफाई की जा सकती है। एक को हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, जिसको आप अकाउंट्स की भाषा में फिक्स्ड एसेट्स भी बोलते हो, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। और बेटा दूसरी होती है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जिसको आप अकाउंट की भाषा में करंट एसेट्स भी बोलते हो, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। बेटा इसको मैं अकाउंट्स की भाषा में फिक्स्ड एसेट्स बोलता हूँ, इसको मैं अकाउंट्स की भाषा में करंट एसेट्स बोलता हूँ। क्या होती है फिक्स्ड एसेट्स? अच्छा ये बताओ फटाफट से, विच इज रिक्वायर्ड इन द बिजनेस फॉर मोर देन 1 ईयर, जो बिजनेस में 1 साल से ज्यादा के लिए रिक्वायर्ड है, जस्ट लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्स्चर्स। मैं 6 एग्जाम्पल देता हूँ, हमेशा से देता हूँ। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्स्चर। ध्यान रखना यहाँ से टॉपिक शुरू होगा अभी 1 मिनट के बाद। और मेरे को अगर किसी ने एग्जाम्पल करंट एसेट का दे दिया, धो दूंगा मैं। अगर फिक्स एसेट्स नहीं पता तो भैया कोई हक ही नहीं है आपको यहाँ बैठने का। फिक्स एसेट्स क्या है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, विच इज रिक्वायर्ड इन द बिजनेस फॉर मोर देन 1 ईयर, फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्स्चर। इन 6 में से कोई भी एग्जाम्पल दे देना जब ये टॉपिक शुरू करूंगा। करंट एसेट्स क्या होती है, विच इज टू बी कन्वर्टेड इन टू कैश और कैश इक्वलेंट विद इन 1 ईयर। बेटा जो कैश में या कैश जैसी चीजों में कन्वर्ट हो जाएंगी 1 साल के अंदर अंदर, उनको हम करंट एसेट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक आपकी भाषा में, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। बेटा ये तो है ही कैश के बराबर, ये तो है ही करंट एसेट्स। बेटा नॉर्मली जब मैं उधार बांटता हूं, क्या मैं सालों का उधार देता हूं? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना? 3 महीने में तो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा,
मैं तो फिर भी कह रहा हूँ करंट एसेट्स क्या होती है जो साल भर में तो कैश में कन्वर्ट हो जाती है, तो साल भर में तो कैश में कन्वर्ट हो ही जाएगा, साल भर में तो स्टॉक भी कन्वर्ट हो जाएगा और बिल रिसीवेबल भी बेटा सिक्योर्ड डेटर डील होते हैं। खैर मैं अकाउंट्स पढ़ाने नहीं बैठा, वहां पे पूछ लेना जिसको कुछ पूछता हूँ, ठीक है जी। या अगर इसका एग्जाम्पल नहीं भी देना तो मुझे तब भी रोते, छोड़ नहीं भी पता तो छोड़, क्या करना भी इसका, ठीक है जी। इतनी बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बेटा? पेपर में टॉपिक आएगा 3 मार्क, लिख कर ले लो फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट या फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्या ये एनसीईआरटी में है? नहीं, एक वर्ड लिखा हुआ है बेटा उस पर उठाया जाता है क्वेश्चन। सिर्फ परेशान करना है ना, ऐसे कैसे देख लें 3 नंबर तुम्हारे आ जाए फ्री में। तो बेटा टॉपिक का नाम है फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, 12th में एज इट इज, वहां 6-6 नंबर में आता है, वहां 6-6 फैक्टर लिखे हुए हैं, स्क्रीनशॉट खींच के दे दूंगा 12th के नोट्स का, 3-3 पढ़ लेना, ठीक है जी। मैं सबसे आसान 3 करा रहा हूँ क्योंकि 3 नंबर नहीं आता है आपके पास, ठीक है जी, आराम से समझते बेटा कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को। सबसे पहला फैक्टर जो अफेक्ट करेगा आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को वो है बेटा नेचर ऑफ बिजनेस। बेटा दुनिया में बिजनेस का नेचर ना 3 ही तरीके का हो सकता है, 3 ही तरीके का नेचर ऑफ बिजनेस हो सकता है। या तो आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो सकते हो, या आप ट्रेडिंग कंसर्न हो सकते हो, या आप सर्विस कंसर्न हो सकते हो। पहली बार नहीं कर रहे थे, चैप्टर 1 में भी कर देता हूं, ठीक है ना जी। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न क्या होती है? खरीदती कुछ और है, प्रोसेस करती है, बेचती कुछ और है। खरीदती तो है रॉ मटेरियल, प्रोसेस करती है फिनिश गुड्स बनाती है, फिनिश गुड्स बेचती है, ऐसी कंसर्न को तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बोलते हैं। क्या होती है ट्रेडिंग कंसर्न? जो खरीदते हैं वही बेच देती है, कोई प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं होती। चेयर खरीदी, चेयर बेचती, क्या प्रोसेसिंग भी क्या कर लोगे आप चेयर के ऊपर? प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है। एसी खरीदा, एसी बेच दी, फैन खरीदे, फैन की एलईडी बल्ब खरीदे, एलईडी बल्ब बेच दिए, ऐसी सारी कंसर्न ट्रेडिंग कंसर्न होती है। सर्विस कंसर्न, एक एग्जाम्पल मैं खड़ा ही हूँ आपके सामने, ट्यूशन सर्विसेज देना, ठीक है जी, और बहुत सारी सर्विसेज आप मार्केट में देखते हो। बाबू मुझे एक बात बताओ, सिर्फ गेस कर, हेडिंग का नाम पेपर में आपने लिखा नेचर ऑफ बिजनेस, आप बताओगे 3 तरीके के बिजनेस होते हैं, आपको सिर्फ गेस करना है। अभी जब समझ जाओगे तो फिर फाइनल समझ जाओगे। आपको क्या लगता है किसको सबसे ज्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए होती होगी? मुझे यही डिसाइड करना है। टॉपिक का नाम है फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। कब किसको सबसे ज्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए होती होगी? नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से भी फिक्स कैपिटल चाहिए, आप सिर्फ अभी गेस। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न कुछ बोल रहे हैं लोग, ट्रेडिंग है कोई ट्रेडिंग वाला? कोई नहीं है। सर्विस कोई नहीं है, मतलब आप मानते हो मैन्युफैक्चरिंग को सबसे ज्यादा चाहिए फिक्स कैपिटल, बिल्कुल ठीक है, साबित कर दोगे पेपर में जिसने जिसने बोला, बात तो यह है, जस्टिफाई भी तो करना है। देखो जस्टिफिकेशन जो है बड़ा सबसे सिंपल बात करने जा रहा हूं आपके साथ। एक बात बताओ बेटा, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो, क्या आपको लैंड एंड बिल्डिंग चाहिए? बिल्कुल चाहिए, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करोगे हवा में तो नहीं करोगे ना। ट्रेडिंग कंसर्न हो, लैंड एंड बिल्डिंग तो बेटा तब भी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं बेटा जो बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं और बिजनेस भी ट्रेडिंग का ही है, जो खरीद रहे हैं वही बेच रहे हैं, कुछ नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं। सर आप एक बात बताओ, जो खरीद रहे हो वही बेच रहे हो, ट्रेडिंग में लैंड एंड बिल्डिंग तो तब भी चाहिए, और मैं खड़ा हूं बेटा आपके सामने सर्विस कंसर्न, लैंड एंड बिल्डिंग मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना बेटा, हवा में तो नहीं बैठे ना आप भी, मैं भी हवा में खड़े होकर नहीं पढ़ा रहा, लैंड एंड बिल्डिंग तो मुझे भी चाहिए। बाबू व्हाट अबाउट फर्नीचर एंड फिक्सचर्स? फर्नीचर फिक्सचर्स मैन्युफैक्चरिंग में तो चाहिए भैया, मैन्युफैक्चर करने के बाद सामान कहीं तो रखोगे, रॉ मटेरियल कहीं तो रखोगे, फिटिंग्स तो करा ही रखी होंगी ना दुकान पे, फर्नीचर फिटिंग्स चाहिए, चाहिए। ट्रेडिंग कंसर्न हो बेटा, फर्नीचर फिटिंग्स तो तब भी चाहिए, आपके बाजार कॉस्मेटिक खरीदते हैं, कॉस्मेटिक बेचते हैं, ट्रेडिंग कंसर्न है भैया, फिटिंग तो दुकान पे तब भी हो रखी होगी, या स्टॉक जमीन पे पड़ा रहता है तो कभी भी नहीं होता। बाबू फर्नीचर फिटिंग क्या मैं सर्विस कंसर्न हूँ, मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए? फटाफट से बताओ चाहिए, अगर आप कहो नहीं चाहिए कोई नहीं, कल से दरी बिछ जाएगी बेटा, बताओ भाई बाबू चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए, सर्विस कंसर्न हूँ, फर्नीचर फिक्सर पक्का चाहिए बेटा। व्हाट अबाउट प्लांट एंड मशीनरी? अब बहुत बढ़िया गेम बेटा, क्या ट्रेडिंग कंसर्न को प्लांट एंड मशीनरी चाहिए?
मैंने काट दिया लहसुन, क्यों चाहिए, क्या करोगे, मशीनरी खरीद कर, चेयर खरीदी चेयर बेच दी, क्या करना है भैया तूने प्लांटर मशीन का, तूने कुछ प्रोसेसिंग करनी है, जो खरीदा वही तो बेच दिया, आप करोगे क्या प्लांटर मशीनरी का, इन जनरल केस जनरली आपको कोई प्लांटर मशीनरी रिक्वायर्ड नहीं होता बेटा। अगर मैं सर्विस कंसर्न की बात करूं, सर थोड़ी बहुत प्लांट एंड मशीनरी चाहिए हो सकती है, और कभी कभी कुछ सर्विस ऐसी होती है जहां बिल्कुल नहीं चाहिए होती, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आप एक ट्रेवल एजेंट हो, ठीक है, टिकट बुक करते हो बेटा रेलवे की फ्लाइट की, और उस पर कमीशन चार्ज करते हो, ट्रेवल एजेंट हो बाबू, आपको मशीनरी के तौर पर एक कंप्यूटर सिस्टम चाहिए, एक प्रिंटर चाहिए, थोड़ी बहुत मशीनरी चाहिए। अगर मैं टीचिंग कर रहा हूँ विद द मॉडर्न मीन्स, तो बेटा मुझे स्मार्ट बोर्ड चाहिए, एक मशीनरी है, मुझे ये चाहिए मशीनरी, मुझे ये चाहिए कैमरा मशीनरी है, अदरवाइज मुझे नहीं चाहिए था, पर मैंने फिर भी मान्य चलो प्लांटर मशीनरी चाहिए कुछ एक्सटेंट तक, ठीक है जी बेटा। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो, प्लांटर मशीनरी चाहिए तो चाहिए, पर बहुत ज्यादा चाहिए, चाहिए नहीं बहुत ज्यादा चाहिए बेटा। क्या जितनी मशीनरी सर्विस कंसर्न को रिक्वायर्ड है, मैन्युफैक्चरिंग को सिर्फ उतनी ही रिक्वायर्ड है, नहीं बेटा, एक कंप्यूटर से काम नहीं चल जाएगा, एक प्रिंटर से काम नहीं चल जाएगा आपका, आपको हैवी मशीनरी चाहिए, कुछ भी मैन्युफैक्चर करना है, लाखों की मशीनरी हो सकती है, करोड़ों की भी हो सकती है कुछ केस। तो बेटा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को इसी वजह से फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होती है, क्लियर है बात, समझ में आती है, किसको ज्यादा फिक्स एसेट चाहिए, बताया आपने भी था, उस बात से जस्टिफिकेशन किया बेटा, क्योंकि सिर्फ एक लाइन का कंक्लूजन लिख के नहीं आ सकते, नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है जी। मैं नोट्स दूंगा इसके, ठीक है, लेकिन सिर्फ अभी आप समझने पे क्या नोट्स मिल जाएंगे सबको, अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, आगे बढ़ सकते हैं बेटा। सेकेंड हेडिंग इज स्केल ऑफ ऑपरेशन, मैं टॉपिक पढ़ रहा हूँ फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे फिक्स कैपिटल को, पहला हो गया नेचर ऑफ बिजनेस, सेकेंड वाले स्केल ऑफ ऑपरेशन बेटा, और मैं बता देता हूँ स्केल तीन ही तरीके का हो सकता है, स्मॉल स्केल, एक शहर में धंधा शुरू करा एक ही में खत्म करना है बस यही निपट जाना, मीडियम स्केल, शहर को बेटा एक शहर से धंधा शुरू करके पांच छह शहरों में लेके दो तीन डिस्ट्रिक्ट में लेके दो तीन स्टेट में लेके, मीडियम स्केल है, लार्ज स्केल नेशन वाइड धंधा चल रहा है या मल्टीनेशनल ब्रांड बन चुके बेटा, तीन तरीके का स्केल हो सकता है, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल, लार्ज स्केल, कैसा आपको करना है, किसको फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल या लार्ज स्केल, बताओ बेटा गेस करो फिक्स कैपिटल किसको ज्यादा चाहिए, लास्ट के साबित कर दो कि अगर करना पड़े, चलो अभी देख लेते हैं, अब मैं एक बार देख भी लूं, जब इतने बढ़िया बढ़िया आंसर है तो मुझे पता होना चाहिए, बबे भाई साबित करो कैसे लास्ट के इनको सबसे ज्यादा चाहिए फिक्स कैपिटल या फिक्स एसेट्स एग्जैक्टली, और एग्जैक्टली बस हो गया काम, इतने नहीं साबित हो जाएगा बेटा। मैं आपका कंपैरिजन करा देता हूं, दो सेम नेचर ऑफ बिजनेस की फर्म ढूंढते हैं पर उनका स्केल अलग अलग कर देते हैं, ठीक है जी। आप बेटा गली मोहल्ले के कोई डिजाइनर हो, ठीक है जी, एक शहर में आपका धंधा डैश द डिजाइनर, बड़े डिजाइनर है भैया, ठीक है जी, आप किसी के बारे में सोच रहे, ठीक है जी, और एक तरफ है कुछ भी और समझते हैं बेटा, तगड़ा डिजाइनर सोच लेते हैं, मल्टी नेशनल ब्रांड सोच लेते हैं, ब्लैकबेरी, ठीक है, दोनों का कंपैरिजन कर देते हैं, बस एक बात बताओ बेटा क्या दोनों को इक्वल स्पेस की जरूरत है, आपके जो गली मोहल्ले का डिजाइनर है बेटा 100 गज जगह में बैठा होगा, बहुत बड़ा होगा 200 गज में बैठा होगा, वैसे लोगों के घर भी नहीं हमारे शहर में इतने बड़े बड़े, बहुत बड़ा होगा 500 गज में बैठा होगा, दैट्स इट, बस आपको क्या लगता है ब्लैकबेरी की फैक्ट्री 500 गज में होगी, इक्वल स्पेस चाहिए दोनों को बेटा, वहां बातें बीघे में हो रही होंगी, गजों में बात ही नहीं हो रही होगी, मैं इससे लिख के ले लूंगा। दूसरी बात, क्या दोनों को सेम इक्वल अमाउंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी चाहिए, ये जो आपकी गली मोहल्ले का डिजाइनर है ना 10 मशीन 15 मशीन 20 मशीन लेके आता होगा, मैं मोर देन एनफ बोल रहा हूँ, 20 से ज्यादा सिलाई मशीन तो नहीं होंगी, 1-1 लाख वाली तगड़ी वाली वो जैक कंपनी की आती है वही होती है बेटा, ज्यादा डिजाइनर के पास, ठीक है सर, ब्लैकबेरी के पास 20 होंगी,
बताओ आप गैस कर लो। सन 2009। तो सर ये बात तो समझ में आती है कि अगर आपका स्केल डिफरेंट है, अगर आप लार्ज स्केल पे ऑपरेट कर रहे हो तो बेटा बिगर स्पेस चाहिए, ज्यादा स्पेस चाहिए, ज्यादा ही प्लांट में मशीनरी चाहिए, इसलिए आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा है एज कम्पेयर टू स्मॉल कंसर्न, सॉरी स्मॉल स्केल कंसर्न और मीडियम स्केल कंसर्न। कोई दिक्कत कोई परेशानी, बात समझ में? दोनों बातें बेटा। थर्ड हेडिंग इज चॉइस ऑफ टेक्निक, चॉइस ऑफ टेक्निक। मैं तो कह रहा हूं प्यारे बच्चे, हमारे सामने बहुत बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। बेटा टेक्निक दो तरीके की होती है, ये बातें हैं इकोनॉमिक्स में आप पढ़ चुके हो, बहुत ही टैलेंटेड पर्सन हो आप, बुद्धिजीवी बता दो कौन सी दो, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। दो तरीके की टेक्निक होती है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। मैं एक बार दोनों का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसके बाद आपको खुद पता लग जाएगा कहाँ फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए। तो क्या चल रहा है बाबू ये, आ जाओ फिर सामने देखिए। बेटा दो तरीके की टेक्निक है, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या होती है बेटा, जहां हम ज्यादा लेबर का इस्तेमाल करते हैं, मोर लेबर लेस कैपिटल, जहां हम ज्यादा लेबर का इस्तेमाल करते हैं कैपिटल का इस्तेमाल कम करते हैं वो। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक क्या होती है, जहां हम ज्यादा कैपिटल का इस्तेमाल करते हैं, पैसे बहुत लगाते हैं, लेबर पे विश्वास नहीं करते, लेबर कम लगते हैं। मैंने आपको इको के बैच में भी सेम एग्जांपल दिया था, आपने एक प्लॉट ऑफ लैंड खरीदा, चार दीवारी खड़ी हो चुकी है, लेंटर डालना है उसके ऊपर। दो तरीके हैं, एक तो तरीका ये है बेटा कि मैं क्या करूं, दो मशीनरी बुलाऊं और लेबर बुलाऊं कम। ये मैंने दो मशीनरी बुलाई, क्या करेगी, एक तो मशीनरी जो कॉन्क्रीट पूरा तैयार करेगी, मिक्सर करेगी सब कुछ, ठीक है ना, और एक वो बेटा जो लिफ्ट टाइप मशीनरी है उस सारे मटेरियल को बेटा फर्स्ट फ्लोर तक लेकर जाएगी और उसके बाद लेबर लेंटर डालेगी, ठीक है। एक तो तरीका ये है, ये है कैपिटल इंटेंसिव, जहां मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ, लेबर पे इतना विश्वास नहीं है। दूसरा तरीका क्या है बेटा, मैंने 25-30 लेबर ही बुलाई, उन्होंने कहा तुम ही मिक्सर मिक्स करो, तुम ही ढो ढो के उसको फर्स्ट फ्लोर तक लेके जाओ, और तुम में से ही कुछ जो मिस्त्री लोग हैं वो क्या करें, वो लेंटर डालें, ठीक है। ये क्या बेटा, ये लेबर इंटेंसिव टेक्निक है, जहां मैं पैसा कम इन्वेस्ट करने पे विश्वास रखता हूँ, कैपिटल नहीं लगाना चाहता, लेबर ज्यादा लगाना चाहता। बेटा अगर एग्जाम्पल सुना तो बात समझ में आ गई होगी, कहाँ ज्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, जो ऑर्गेनाइजेशन इस टेक्निक को फॉलो करेंगी हमेशा फिक्स एसेट्स में पैसे को ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, जो इस टेक्निक को फॉलो करेंगी वो फिक्स एसेट्स में पैसे कम इन्वेस्ट करेंगे। क्लियर बात, तीनों हेडिंग के मैं अब कंक्लूशन बोल रहा हूँ। तो टॉपिक का नाम है फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, पहली हेडिंग आई नेचर ऑफ बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को ज्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए एज कम्पेयर टू ट्रेडिंग कंसर्न और सर्विस कंसर्न। उसके बाद स्केल ऑफ ऑपरेशन, लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए एज कम्पेयर टू मीडियम स्केल एंड स्मॉल स्केल। थर्ड हेडिंग आई चॉइस ऑफ टेक्निक, लास्ट हेडिंग चॉइस ऑफ टेक्निक। बेटा दो तरीके की टेक्निक होती है, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक फॉलो करने वाली ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए एज कंपेयर टू लेबर इंटेंसिव टेक्निक। खत्म, सिंपल, बात समझ में आ गई। बेटा टॉपिक स्टार्ट होता है फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, बहुत जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। पहली हेडिंग सेम, मैंने जानबूझ के हेडिंग ऐसी भी है कि याद करने में दिक्कत नहीं होगी, बट एग्जाम्पल में फर्क आ जाएगा, क्योंकि अभी तक मैं एग्जाम्पल क्या कर रहा हूँ, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर फिक्सचर। अब टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अगर अब किसी ने एग्जाम्पल दिया मेरे को फिक्स एसेट्स का, अब दोनों यूज क्यों जाएगी, क्योंकि अगर इतना नहीं सोच पाते तो सोच क्या पाते हो, करंट एसेट्स के एग्जाम्पल देने हैं या कैश या बैंक बैलेंस या डेटर या स्टॉक, इन्हीं के एग्जाम्पल चल रहे होंगे चारों के, ठीक है। आप बताओ क्या कहते हो, किसको ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, ट्रेडिंग कंसर्न या सर्विस कंसर्न, जल्दी से गेस करो ताकि बात को आगे बढ़ाया जा सके। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, ट्रेडिंग कंसर्न, सर्विस कंसर्न, अब मजा आएगा बहुत, ठीक है जी। और एक और काम कर लेना, चलो थोड़ी सी बात और एक्सटेंड कर देता हूँ, थोड़ा आसान कर देता हूँ आपके लिए। वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट्स तो आएंगे आएंगे, डे टू डे खर्चे भी आ जाएंगे, लो और आसान कर, डे टू डे एक्सपेंसेस भी आ जाएंगे। डे टू डे एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं, सैलरी, वेजेस, रिफ्रेशमेंट, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, ट्रेवलिंग, कन्वेंस, ठीक है, समझ गए। फटाफट से बताओ बेटा क्या गेस करना है,
इतना तो कोई, खैर मैं अभी आपसे डिटेल चाह ही नहीं रहा। आप बताओ मैन्युफैक्चरिंग को ज्यादा चाहिए वर्किंग कैपिटल, ट्रेडिंग को ज्यादा चाहिए या सर्विस को ज्यादा चाहिए? कौन कौन मैन्युफैक्चरिंग कहता है हैंड टू थॉट, हैंड रेस कर लो जो तो मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। अच्छा जी देखो कहीं ना कहीं होना पड़ेगा क्योंकि बीच का होना बहुत खतरनाक माना जाता है हमारी सोसाइटी में। ट्रेडिंग में कौन कौन है? वेरी गुड, सोचते तो आए मुझसे कुछ उन्होंने हाथ उठा देते, फोन चलाते चलाते याद दिया वहां नहीं है दीदी में। सर्विस कंसर्न छोड़ दो बोला, सर्विस कंसर्न एक भी नहीं। अजी वाह, अच्छा एक है भाई, सर्विस कंसर्न को वर्किंग कैपिटल नहीं चाहिए होती। मैंने कहा पहले तो तेरा ही ऑप्शन बाहर कर दिया। देख मैं तेरे को बता देता हूँ बड़ी सिंपल सी बात, मैंने बहुत बार एग्जांपल दिया होगा, मैं अपना ही एग्जांपल दे देता हूँ। जब मैंने ये सर्विसेज का बिजनेस शुरू किया मुझे वर्किंग कैपिटल क्यों चाहिए? देख दो ही चीजें हो सकती हैं ज्यादा से ज्यादा, एक किसी को एडवांस रेंट देना अगर मेरी जगह नहीं है तो, डे टू डे खर्चे भी इसमें आते मैंने बता दिया ना, और एक इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है। तीसरा खर्चा मेरे ऊपर बता दे अगर मैं ट्यूशन सर्विसेज दे रहा हूँ जो कैश में होना है, मतलब वर्किंग कैपिटल भाई उदाहरण देते हैं नहीं, बल्कि फीस लोगों के पास एडवांस आती है उधार देते हैं, स्टॉक होता है, करना क्या है। मैंने जब बिजनेस शुरू किया था ट्यूशन का, अपने फादर से एक महीने का रेंट लिया था और उठाकर अपने लैंडलॉर्ड को दे दिया था। इनिशियली मैं कोर्ट रोड पर बढ़ाता था CA CS और CWE को, ठीक है जी। दो तीन साल मैंने उन्हीं तीन मतलब लेवल पे पढ़ाया, CA फाइनल लेवल और CWA फाइनल CS फाइनल, ठीक है जी। और शहर में बने हुए कम से कम 20-22 CS में से 11 से 15 CS के साथ से ही गए। जितने CS देखोगे ना कहीं देख लेना मेरे से बड़ा नहीं करता है अभी जितने भी CS शहर। तो बाबू अब मैंने तो पहले महीने का रेंट लिया, बस मेरी इतनी सी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, बहुत कम चीज होती है वर्किंग कैपिटल सर्विस कंसर्न, सर्विस तो बाहर किया मैंने तेरे को एग्जांपल दे दिया। बाबू जो ट्रेडिंग है कह रहे हैं, बाबू एक बार हैंड दोबारा से रेस कर प्यारे प्यारे बच्चे, साबित कर सकता है कोई या सिर्फ गैस है? थोड़ा सा तो साबित कर सकते हो, कुछ तो सोचा ही होगा क्योंकि बात साबित करने में है, कंक्लूजन लिखने का कुछ नहीं है। एक नंबर श्रेया जी क्या कहते हो, आपको क्यों लगता है ट्रेडिंग कंसर्न को ज्यादा चाहिए? तो मैन्युफैक्चरर नहीं करता ऐसा? देख मैं तेरे को एक बार बताता हूं, नहीं ऐसा नहीं है। हिरन मराने सबसे बड़ी हॉचरी मार्केट है हमारे आसपास की, लुधियाना से पहले कुछ नहीं है, ठीक है। अब इतने सारे मैन्युफैक्चरर बैठे हैं आसपास के जितने गांव हैं जितने शहर हैं सब हिरन मरान से सामान खरीदते हैं हॉचरी का। अब कस्टमर तो उनकी दुकान पे भी जा रहे हैं, चाय पानी तो वो भी बुलाते हैं बेटा, रिफ्रेशमेंट का खर्चा तो उनका भी। हाँ सर, कस्टमर ज्यादा होंगे इन नंबर यार, चल मैंने ही मान की बात, बिल्कुल एग्री हूँ, मैंने मान लिए मैन्युफैक्चरर के 100 और ट्रेडर के 500, ठीक है। अगर कितना गैप भी मान लो सर, चाय पानी का कितना खर्चा कर लोगे, डेटर्स ज्यादा होंगे, ठीक है चलो मान लिया मैन्युफैक्चरर। अब मैं तेरे को मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर में थोड़ा सा फर्क बता देता हूँ। जैसे तूने बोला बेटा मैन्युफैक्चरर नंबर में जरूर कम हो सकते हैं, उधार हमेशा उनका ही ज्यादा रहेगा। अगर मैं एक मैन्युफैक्चरर की बात बोलूं आपको, आप एक मैन्युफैक्चरर नाम लो नेशन वाइड किसी फर्म का, रूपा अमूल, आपके जितने डिस्ट्रीब्यूटर आपने सबको उधार बांट दिया, आपको क्या लगता है इनका उधार क्या कुछ लाखों में होगा? एक एक डिस्ट्रीब्यूटर एक एक करोड़ का सामान खरीदता है एक सीजन में, एक एक सीजन में, क्या बात कर रहे हो भैया, ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। अभी भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। कोई और बताना चाहता है ट्रेडर में कुछ, ट्रेडिंग कंसर्न को ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, कोई बहुत बताना चाहता हो? चलो छोड़ो नहीं बताना चाहते कोई नहीं। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, जैसे जिसने कहा हैंड रेस करो फटाफट से, टाइम बाउंड रहते हैं यार 3 मिनट में वाइंड अप करना है, ठीक है, इको कैपेसिटी लो करो। अच्छा आप सब कह रहे हो मैन्युफैक्चरिंग को ज्यादा चाहिए, सर भाई क्या कहते हो, क्या लॉजिक है, क्यों मैन्युफैक्चरिंग को ज्यादा चाहिए वर्किंग कैपिटल? है
एग्जैक्टली ये तो चलो बात बहुत अच्छा समझ आती है। सैलरी की कॉस्ट पे इंतहा होती है, इनकी इनकी नहीं होती सैलरी की कॉस्ट इतनी जितनी इनकी होती है। भैया मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, 20 लेबर बैठ के मैन्युफैक्चर कर रही है सामान, और जो दुकान पे बेच रही है वो 2-3 लेबर है। ट्रेडर के पास वही 2-3 लेबर है जो बेच रही है, ये मैन्युफैक्चर थोड़ी कर रहा है कुछ। सैलरी कॉस्ट बहुत बहुत ज्यादा, परफेक्ट बात समझ में आती है, बात सबको आती है समझ में जो मैंने बोली। पशु भाई और कोई लॉजिक? स्टॉक ज्यादा बनेगा, इस पर मेरा एनालिसिस बड़ा तगड़ा है। कुछ स्टॉक के बारे में और कुछ कहना चाहता है? स्टॉक ज्यादा बनेगा ठीक है मान लिया, और कुछ स्टॉक से रिलेटेड? ज्यादा कुछ कुछ अब कनेक्ट होने लगी डॉट्स, और कुछ बाबू? अभी ना एक मुद्दा रह गया, ठीक है जी मैं आपको बता देता हूं आंसर यही सही। मैन्युफैक्चरिंग को ही ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। एक लॉजिक तो वो जो अभी स्पर्श भाई ने दिया कि लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ट्रेडिंग कंसर्न और सर्विस कंसर्न। दूसरा लॉजिक अभी पेंडिंग है, वो बहुत तगड़ा है, वो लॉजिक समझाने में मैं 10 मिनट लेता हूँ, है नहीं आज, ठीक है ना, कल आएंगे, पहले 10 मिनट उस पर लगाएंगे। दो और हेडिंग है खत्म करेंगे, आता केस स्टडी शुरू कर देंगे, ठीक है जी। रखते आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।